ശക്തിയായി തിരിച്ച് ആപത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ലളിതമായ ഈ മാർഗം ശീലമാക്കും. तो वेलकम टू वारकला. और ये जगह बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल नीला समुद्र है, बिल्कुल साफ़ सुथरे बीचेज है. और बीच के दूसरी तरफ में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत क्लिफ है. और उस क्लिफ के ऊपर बहुत सारे कैफेज़ है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी बेकरीज है, बहुत सारे मसाज सेंटर्स है, बहुत सारे योगा सेंटर्स है. मतलब कंप्लीट हेल्थ डिटॉक्स है, बहुत कमाल का रिलैक्सेशन है. करने को इस जगह पर बहुत कुछ है. काफ़ी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर सनबाथ ले रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्फिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं. आप एक केक लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए और खूबसूरत नीले समुद्र के नज़ारों का आनंद लीजिए. वारकला में मैंने अपना स्टे चूज़ किया द लॉस्ट हॉस्टल में. और इस हॉस्टल की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है. एकदम क्लिफ के ऊपर है, स्टार्टिंग में ही है और सामने समुद्र नज़र आता है. शाम होते होते यहाँ पर बहुत सारे लाइव सी फूड काउंटर्स खुल जाते हैं और आप अपनी पसंद का फ्रेश सी फूड इंजॉय कर सकते हैं. ये ब्लॉग बाकी के सारे ब्लॉग से थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोलने की जगह ये जगह आपको फील करवाना चाहता हूँ. ये जगह जैसी है वैसी की वैसी आपको दिखाना चाहता हूँ. तो चलते हैं वारकला की इन खूबसूरत कॉबल्ड स्ट्रीट्स पर एक और नए ब्लॉग में, केरला सीरीज का एपिसोड 4. सारी ही कॉबल्ड स्ट्रीट इस वक्त रोशनी से जगमगा रही थी. जितने भी रेस्टोरेंट थे बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग से सजे हुए थे और यहाँ का सारा माहौल बहुत खुशनुमा था. रात में यहाँ पर मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में लाइव म्यूजिक होता है, पर वो म्यूजिक ऐसा नहीं होता है शोर शराबे वाला या फिर डिस्को या पब वाला. ये म्यूजिक सिर्फ उतना ही होता है जिसमें आप अपना फूड एंजॉय कर सके. यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स होने की वजह से इस जगह पर एक इंटरनेशनल वाइब्स वाला फीलिंग आता है. ऐसा लगता है कि हम किसी और देश में घूम रहे हैं. यहाँ पर जिस टाइप का फूड है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, ये पूरी एक इंटरनेशनल फीलिंग देता है.
लास्ट ईयर जब मैं ग्रीस गया था, ये जगह मुझे ग्रीस में ईया की याद दिलाती है। वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत कॉबल्ड वॉकवेज है, और उन वॉकवेज के एक तरफ में बहुत सारे कैफेज, बेकरीज, पब्स, बार्स वगैरह है, और उन कैफेज के एकदम सामने बिल्कुल नीला समुद्र है। मुझे यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, सारे फॉरेनर्स हैं। ऐसा लगता है शायद इस जगह पर 5-10% लोग ही इंडियंस होंगे, बाकी मैक्सिमम क्राउड फॉरेनर्स का है। ये जगह एक इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक शांत लाइफ का, एक एडवेंचरस लाइफ का और एक हैपनिंग लाइफ का। सर्फिंग यहाँ पर एक बहुत कॉमन वाटर स्पोर्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग सर्फिंग के लिए भी आते हैं, और सर्फिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसने मुझे बहुत समय से फैसिनेट किया हुआ है। मैंने कोई फिल्म देखी थी, उसके बाद मेरा भी मन हुआ था कि मैं भी किसी दिन सर्फिंग सीखूं और समुद्र की लहरों के ऊपर अपना सर्फिंग बोर्ड दौड़ाऊं। तो यहाँ पर मुझे ये चांस मिला है। 1000 रुपये का 1.5 घंटे का यहाँ पर सेशन है, और यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि करीब 4 से 5 सेशंस लेने के बाद में आप सर्फिंग कम्प्लीटली सीख जाते हैं। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ये जो वर्कला है, ये मोस्टली शायद 3-4 किलोमीटर के अंदर ही मेन घूमने का एरिया फैला हुआ है। ये 3-4 किलोमीटर के अंदर ही आपको इतनी खूबसूरती मिलेगी। ठीक है, नमक डालो और चटनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पर वारकला में सिर्फ एक हाई एंड कैफे कल्चर वाली लाइफ है, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, कुछ हाई क्लास कैफेज हैं और बहुत सारी बीच एक्टिविटीज़ हैं, और बस इतना ही वारकला है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। इस जगह ने आज भी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से समेट के रखा हुआ है। यहाँ पर एक 2000 साल पुराना मंदिर भी है, जो आपको सीधे ट्रांसपोर्ट करता है एक बीच लाइफ से सीधे एक प्राचीन युग की तरफ, जहाँ पर सब कुछ बहुत पुरातन है, बहुत दिव्य है।
ये मंदिर है श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल, और रोज शाम को इस मंदिर के अंदर यहाँ के जितने भी लोकलाइट्स हैं वो अपनी ट्रेडिशनल अटायर में इकट्ठे होते हैं, जितने भी मेन होते हैं वो अपनी धोती में होते हैं, और जितनी भी विमेन होती है वो साड़ी में होती है। और रोज शाम को ये सारे लोग इस मंदिर में बहुत सारे दिए जलाते हैं। मुझे लगता है करीब 10,000 से ज्यादा दिए रोज यहाँ पर जलाए जाते होंगे, और जब सारे दिए जल जाते हैं तो ये मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत डिवाइन लग रहा होता है। और आरती के समय पर जो यहाँ पर फीलिंग होती है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आप कोई और ही दुनिया में होते हो। दो दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बहुत खूबसूरती के साथ में कोएग्जिस्ट करती है। और अगर आप भी वारकला आ रहे हैं तो श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल जरूर विजिट कीजिएगा, और खासकर यहाँ पर ये शाम वाली आरती मिस मत कीजिएगा। ये दिए जलाने वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ही फुलफिलिंग है, बहुत ही एनरिचिंग है। और क्योंकि होता ज़्यादातर ये है कि मैक्सिमम लोग वारकला आने के बाद में वो खाली एक बीच वाली लाइफ देखकर लौट जाते हैं और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं। तो दोनों एक्सपीरियंसेस लेकर देखिए, आपको महसूस होगा कि आप गॉड जोन कंट्री में हो।